एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद कर रहे थे आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सायरस ब्लॉग। तो अभी अभी देख रही हूँ कि ट्रेन आ चुकी है, तो मैं अभी जा रही हूँ लोनावला घूमने। तो ट्रेन में अभी बैठ भी चुकी हूँ। अभी थोड़ा ठंड लग रहा है, सुबह के टाइम है। अभी थोड़ा थोड़ा अभी जो रोशनी दिखाई दे रही है अभी, तो सुबह 5:10 पे ट्रेन था और अभी 6 बज गया, फिर भी मतलब रोशनी नहीं हुआ, वो भी सितंबर के महीने में भी। तो अभी मैं हम लोग पहुंच चुकी हूँ इगतपुरी। ये देखिए इगतपुरी, ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी है यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कितनी सुंदर लोकेशन है, फ़ोटो वोटो तो लेना बनता है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये। वैसे नासिक टू लोनावला जब आप ट्रेन से जाओगी और आपको रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर व्यू देखने को लिए मिलेंगे, इतनी एंजॉय करोगी पूरा रोड, आपको बहुत मज़ा आएगा आप जब इस रोड से आप होके जाओगी ट्रेन में। और सुबह सुबह इतनी सुंदर सुंदर देखो, ये देखो अभी यहाँ पर रात नहीं, रात जैसे हो रहा है लेकिन रात नहीं हुआ है, ये गुफा के अंदर से ट्रेन जा रही है। मैं बोली थी ना, मतलब आप बोर नहीं होगी जब आप ही मतलब नासिक टू लोनावला बाई ट्रेन होके जाओगी, तो इतनी सुंदर सुंदर व्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो फाइनली मैं लोनावला स्टेशन पहुंच चुकी हूँ। ये देखिए लोनावला स्टेशन है और ये ट्रेन आप जा रही है पुणे। पहले लोनावला पहुँचते हैं उसके बाद पुणे चलते हैं। ये बहुत दिन का मेरा ख्वाहिश था मैं लोनावला घूमूँ और आज वाला ने पूरा कर दिया। तो ये है लोनावला स्टेशन की बाहर की साइड। अभी फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुकी हूँ ये लोनावला रेलवे स्टेशन के बाहर। अभी खड़ी हूँ, अभी हम जाएंगे होटल और होटल पहुंचने के बाद पहले फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम दूसरे जगह घूमेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं होटल में हूँ और ऑलरेडी हम लोगों ने 2-3-4 होटल हमने देख लिए लेकिन पसंद नहीं आ रही थी, तो ये फाइनली ये होटल हमें पसंद आया और बेसिकली मायशा को बहुत पसंद है ये होटल, उसको ये होटल ही चाहिए, बहुत खुश है वो। होटल ले रही है, खुश हो? खुश हो क्यों, किस लिए से ये वाला होटल तुमको? शार्क वाला स्विमिंग पूल है, अच्छा ओके। इसको स्विमिंग पूल की वजह से इसको ये होटल पसंद आया। नहा सकते हैं? अभी नहीं, चलो। ये देखो तो अभी हम जा रहे हैं, अभी शायद फर्स्ट फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर में हमारा रूम है। तो अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ खाना खाने के लिए, तो पहले हम खाएंगे उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग 3-4 बजे निकलेंगे यहाँ के आसपास के पॉइंट देखने के लिए। तो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तब से बस हर जगह पे ये मगनलाल चिक्की चिक्की, हर चिक्की का ही शॉप में दिखाई दे रही है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ के अमरूद भी बहुत मस्त है, इतने बड़े बड़े पूरा पिंक कलर की है। बाद में लेंगे, अभी पहले खाना खा लेंगे उसके बाद ये भी ले लेंगे। तो अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे मतलब डाउन में, और यहाँ पे भी देखिए चिक्की। मैं बोली थी ना, मैं जब से आई हूँ मुझे बस चिक्की ही दिखाई दे रही है, और एक पूरा लाइन में बस चिक्की का ही शॉप है, खाना पीना और चिक्की। रेस्टोरेंट भी है 2-4 बीस में, और चिक्की है मगनलाल चिक्की। और मगनलाल तो हर जगह पे है, रास्ता रोड की उस साइड पे भी मगनलाल है, शायद लोनावला का यही फेमस है अभी तक मुझे जितना समझ में आया, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे आने का, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे बस चिक्की दिखाई देती है। तो फाइनली ये मुलाकात पहुँच चुकी हूँ। हमें एक्चुअली ऑटो वाला भैया ने सजेशन किया कि आप मुलाकात में जाओ, वहाँ पर आपको बेस्ट खाना मिलेगा, यहाँ का फेमस बिरयानी आप मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा सा एक्वेरियम भी दिया हुआ है जिसमें मायशा बहुत खुश हो रही है।
तो अभी हम यहाँ पे खाना खाएंगे। खाना ऑर्डर किया, बिरयानी खाने के लिए आया है और हमने न्यू कर लिया जिसमें हमारी बिरयानी आ चुकी है और सच में बहुत टेस्टी बिरयानी है। और मायशा के लिए कस्टर्ड ऑर्डर किया, तो ये मायशा के लिए। ये हमारा होटल है, अब ये आपको दिखाती है इस होटल का रूम का। ये तो ड्रेसिंग है, यहाँ पे छोटा सा टेबल रखा है, चाय नाश्ता बैठ के कर सकते हो। और ये अलमारी है, टीवी दिया हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुकी हुई ये खंडाला पॉइंट, और ये मेरे पीछे आप लोग देख रही है ये रामाची गार्डन है, और रामाची गार्डन के ऊपर ये खंडाला पॉइंट बना हुआ है। और ये देखिए, ये पूरी जो जब बारिश होती है तो यहाँ से बहुत सारे वाटरफॉल्स ये दिखाई देती है, और नज़ारा बहुत सुंदर लगती है। अभी फ़िलहाल एक ही वाटरफॉल्स दिखाई दे रही है, और मैं जहाँ पे खड़ी हूँ मेरे नीचे के से ये रास्ता जा चुकी है। और ये देखिए कितना सुंदर ये रास्ता लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी खंडाला पॉइंट हम देख चुकी हूँ, अभी हम जाएंगे सनसेट पॉइंट देखने। आगे आगे नीचे अच्छी व्यू आ रही है, तो वहाँ पे हम जाएंगे देखने के लिए। अभी सनसेट के टाइम हो रहे हैं, तो अभी हम सनसेट देख लेंगे पहले। तो फ्रेंड्स देख चुकी है ये सनसेट पॉइंट है, और ये देखिए सनसेट हो रही है अभी, कितनी सुंदर लग रही है। और देखिए लोग कितने भीड़ कर रहे हैं यहाँ पे सनसेट पॉइंट देखने के लिए। और गाइस ये जो रास्ता देख रहे हो ये पुणे और मुंबई का ये हाईवे है। वाह क्या व्यू है, और ये सनसेट भी हो चुका। तो फ्रेंड्स सनसेट अभी हो चुकी है, अभी हम जाएंगे और दूसरे पॉइंट में। अभी शाम हो रही है, अभी पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अंधेरा में थोड़ा विजिबिलिटी कम होती है। पसंद है भुट्टा? हाँ अच्छा लगा मुझे। हमारा बेडरूम में पसंद आया। होटल पसंद है आपको? तो यहाँ पे खंडाला का सेल्फी पॉइंट बना दिया है, तो यहाँ पे आके सब लोग सेल्फी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइन लगना पड़ता है क्योंकि सब लोग आगे आ जाते हैं। तो अभी हम लोग आए खंडाला लेक पे, और अभी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रही है, अभी अंधेरा होने वाला है। तो गाइस ये है खंडाला लेक, यहाँ पे देखिए अभी अंधेरा हो चुकी है तो ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। क्या लिया? तो फ्रेंड्स अभी मैं आई हूँ चिकी शॉप पे, अभी मायशा को चॉकलेट लेना है और जेली लेना है, तो यहाँ का खास भी है, तो देख लेते चिकी में चिकी कैसा है और टेस्ट कैसा है। पूछ कैसा लगा घूम के आज? अच्छा। अच्छा कितने सारी चिकी खरीद के लाई हो? टॉफी जेली? हाँ जेली तो पूरा फिनिश करूंगा आजकल। नहीं इतना फिनिश करोगी तो फिर वो करना वो हो जाएगा ना, दांत खराब हो जाएगा। खाना खा लिया ना हमने? अंकल ने बोला क्या? डॉक्टर भी बोलते हैं, अंकल भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे हमारा आज का दिन निकल गया लोनावला, और फिर कल सुबह इंशाल्लाह फिर घूमेंगे और आप सबको भी दिखाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसे लगे प्लीज़ बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल सुबह।